हरिद्वार के स्थानीय निवासी शिवालिक नगर के साथ दो अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा उनकी दुकान में घुसकर तमंचे के बल पर उनकी गले की सोने की चेन आदि मारपीट करके लूट ली और से संबंधी मुकदमा कोतवाली रानीपुर में दर्ज कराया गया था, जिसमें से एक वृद्ध व्यक्ति के साथ हुई इस सनसनीखेज घटना के बाद से हरिद्वार SSP अजय सिंह के द्वारा कड़े दिशा निर्देश के बाद थाना रानीपुर से अलग अलग पुलिस की टीमें गठित की गई। पुलिस टीम के द्वारा लगातार CCTV कैमरों को खंगालने के बाद दो व्यक्तियों को हर की पैड़ी CCR के पास से लूटे गए जीवरात एवं घटना में प्रयुक्त तमंचा व मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। हरिद्वार से नरेश तोमर की रिपोर्ट। फोन कॉल जो है सुनील लाठी द्वारा की गई थी और साथ ही साथ इसको कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेकर सुनील लाठी के कुछ परिवारजन इसको शामिल थे, साथ ही साथ सुशील गुज्जर जिसको शामिल था जिसने नंबर उपलब्ध कराया था। एक तरह से इस पूरे प्रॉपर्टी के मामले में काफी दिनों से विवाद पर चल रहा था और इसमें पूर्व में भी एक शिकायत आई थी दीवार तोड़ने और कब्जे को लेकर, जिसपे मुकदमा दर्ज किया गया था। उसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही ये बात पता चली, जब आदि आया कि इसको एक्सटॉर्शन की धमकी मिल रही है, तत्काल मुकदमा लिख दिया गया था। अब इसमें जाने कार्रवाई पूछताछ जेल में सुनील लाठी से भी की जाएगी, साथ ही साथ उसके परिवारजनों से भी और जो अन्य लोग के नाम आए उनसे भी पूछताछ के लिए टीम को बताया गया है।